खबरों की नई पहचान। नमस्कार और आप देख रहे हैं केंद्र मेहर रुस्तम। इस वक्त हम पहुंचे हैं भूतगढ़िया में। एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे जिसकी पहचान उसकी आवाज है। यह शख्स एक आवाज नहीं बल्कि सैकड़ों आवाज में आपसे बात कर सकता है। आवाज के कारण यह शख्स की पहचान अपने क्षेत्र में है। हम चाहते हैं कि आप उनसे सीधी मुलाकात करें। यहाँ तक कि पॉलिटिकल जो नेता हैं, मौजूदा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ में भी वो आपसे बात करेंगे। राहुल शर्मा जी, बॉलीवुड के कुछ कलाकारों की आवाज़ आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं और के न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हम जैसे कलाकारों को गली मोहल्ले से निकाल कर हमारी टैलेंट को जन जन तक पहुंचाने के लिए के न्यूज हमारे बीच उपस्थित हैं। अपने तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं के न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ और मैं अपनी आवाज़ और अपनी क्वालिटी के बल पे बहुत जगह पे शो इवेंट प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ और अभी तक मैं अपने जीवन में अनगिनत शो किया हूँ और आज मुझे आप लोगों के बीच में के न्यूज़ के माध्यम से कुछ कहने का जो मौका है वो बिल्कुल मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके बीच नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ मैं पेश करना चाहूँगा। मित्रों, मुझे मालूम है, मैंने लोगों से कहा है मैं बचपन में चाय बेचता था। लोगों ने हमें कहा कि नरेंद्र मोदी चाय बेचता है। मैं बोलना चाहता हूं कि जब इंसान के पास रोजगार ना हो तो मैं कहता हूं कि चाय भी बेचना चाहिए और दूध भी बेचना चाहिए। अब मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी की आवाज में आपके सामने मैं कुछ कहना चाहूंगा। वही शान वही आन जो माँ के लाल वर्षों से हमारे दिल और चैन में है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि जब हमारे बीच में कोई आता है और हमें कुछ कहने का शानदार मौका मिलता है। अब मैं आपके बीच में राजकुमार जी की आवाज पेश करना चाहूंगा। हम वो है जो अक्सर लोग जानते हैं, न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से ये वर्ण रहता है तो सिर्फ परवर दिगार से। बाबूजी, मुझे मालूम है ये ताकत कौन पसीनों की रोटी की कमाई हुई की है। मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं। डरा कर तो वो जिया करते हैं जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तो मैं आइए आपके बीच सनी देओल की आवाज को इस करना चाहूंगा, जिनकी आवाज से हमें यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ जैसे तमाम ऐसे बड़े बड़े महानगरों में हमें मौका मिला है अपनी स्टेज शो करने का। और आइए मैं आपके बीच सनी देओल की आवाज की कॉपी करना चाहूंगा। बाबूजी, यह ताकत खून पसीनों की रोटी की कमाई हुई की है। मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं। बाबूजी, डरा कर तो वो जिया करते हैं जिनके हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने की इतना ही शौक है तो कातिया ये हाथ खोल कर देख, साधो को साथ मारूंगा लेकिन फिल्म के सेट पे मारूंगा। हकीकत में तो वो लोग मुझे धो देंगे। अब आइए मैं एमिलसपुरी की आवाज आपके बीच सुनाना चाहूंगा। वे मैं तो अच्छी तरीके से जानता हूं कि के न्यूज वाले कोई मामूली नहीं है। अगर इनके अंदर में मुझ जैसे कलाकारों की टैलेंट को लाने का जोखिम नहीं उठाता तो मैं यहाँ आपके बीच में नहीं होता। तो आइए इसी बात को मैं जितेंद्र जी की आवाज में मैं कॉपी करना चाहूंगा। मुझे अच्छी तरीके से बात की जानकारी थी कि मैं जानता हूँ कि के न्यूज वाले मेरे बीच में जरूर आएंगे और मुझ जैसे कलाकारों की टैलेंट को जरूर पेश करेंगे। मुझे इस बात की काफी खुशी है। अब आइए मैं इस बात को लालू जी की आवाज में मैं आपके बीच पेश करना चाहूंगा। लालू जी की एक ऐसी आवाज है जो आप किसी भी स्टेज पे जाते हैं तो हर कोई लोग उनकी आवाज़ों को बोलने के लिए डिमांड करते हैं। और मैं बहुत ऐसा जगह पर भी शो कर चुका हूँ कि जहाँ पे लालू जी की आवाज़ आपके पास अगर नहीं है तो आप मिमिक्री आर्टिस्ट कहलाने के लायक नहीं है। तो आइए मैं लालू जी की आवाज़ आपके बीच में पेश करना चाहूँगा। मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है कि मीडिया प्रभारी के न्यूज वाले हम जैसे टैलेंट और कलाकारों को लोगों के बीच में शेयर किया। आज हमारी आवाज तमाम लोग देखेंगे और हमारी आवाज को सुन के ही कहेंगे कि भूतगढ़िया में भी ऐसा टैलेंट है जिसे खोजने की जरूरत है। के न्यूज वाले ने खोजा है,
मैंने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब आइए मैं आपके बीच में बिहारी बाबू की आवाज को पेश करना चाहूंगा। आओ ललिता, ओ माय डार्लिंग, मुझे इस बात का बहुत अच्छा ज्ञान है कि मैं जहां भी जाता हूँ लोग हमें शक्ति कपूर करके नाम पुकारते हैं। मैं अक्सर टीवी में, फिल्मों में आता रहता हूँ। मेरे पिताजी ने मेरा रोल को देखकर कहा कि बेटा तुमने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। मैंने पिताजी को कहा मैं कोई मिट्टी में नहीं मिलाया हूँ पापा जी, जमाना बदल गया है और मैं जवानी के साथ हूँ, यही मेरा काम है, यही मेरी जिंदगी है। अब आइए शक्ति कपूर की आवाज में, शक्ति कपूर के बाद में आपके बीच जो पेश करना चाहूंगा अमिताभ जी की आवाज। शराबी फिल्म का एक मोमेंट आपके सामने मैं पेश करता हूँ कि अक्सर लोग ये आवाज और ये मिमिक्री सुनना पसंद करते हैं। आइए मैं अमिताभ जी की आवाज को पेश करता हूँ। मुंशी जी, आपको पता भी है कि 20 साल की जिंदगी में मेरे पिताजी ने मेरे साथ में 20 मिनट नहीं बिताया, और मुंशी जी आप कहते हैं कि मैं ये पीना छोड़ दूं। मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन पीना और मीना को नहीं छोड़ सकता, आपको इस बात का क्या होना चाहिए। तो आइए मिमिक्री की दुनिया में फिर से दस्तक देते हैं, सुनते हैं प्राण जी की आवाज। देखो बेटे, तुम्हें इस बात की जानकारी हो या ना हो, बेटा साईं, मैं अक्सर यही लोगों से कहता रहता हूँ, ये जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, और तुम जो हो कि मेरी बातों को मानने के तैयार नहीं। तो अमित जी बोलते हैं, मुंशी जी मैं पिताजी को कह दूं कि मैं आपसे कोई बात करने वाला नहीं हूं, क्योंकि 20 साल की जिंदगी में आपने मेरे साथ जो कुछ किया है, यानी 20 साल की जिंदगी में आपने मेरे साथ में 20 मिनट तक नहीं बिताया, और आप कहते हैं कि मैं आपके बीच में और आपके सामने हूं। देखो बेटे, अभी तुम्हारी जवानी है, अगर तुम नहीं सुधरे, अगर ऐसे दौलत लुटाते रहे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। फिर से मैं आपके बीच मिमिक्री की दुनिया का कुछ ऐसी आवाज पेश करना चाहूंगा कि जिनकी आवाज ने हम जैसे लोगों को, हम जैसे कलाकारों को रूटी दिया है, और आइए मैं उन्हीं आवाज़ों की एक ऐसी आवाज़ मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आइए मैं देवानंद की आवाज़ पेश करता हूँ। वो अभी तो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ ने हमें पहचान दिया है। आहा, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं वही हूँ जब मुझे काला कोट पहनना मना था, लेकिन मैं काला कोट पहनता रहा और लोग हमें देखते रहे, और न जाने मीडिया समाचारों में, उस जमाने में न्यूज में क्या से क्या आ गया, लेकिन देवानंद वहीं का वहीं रहा। अब आइए धर्मेंद्र जी देवानंद जी को समझाते हैं। देवा, तुम्हें इस बात का जानकारी नहीं है कि अगर तुम इस तरीके से अगर ऐसे ऐसे बोलते रहे तो मैं कहता हूं मैं भी एक जमाने में हैंडसम बॉय था, लेकिन मैं कसम अभी मैं हैंडसम बॉय नहीं रहा। तो इसी बात को मैं आपके बीच में अमीन सैनी की आवाज में पेश करना चाहूंगा। जी हाँ, मुझे इस बात का बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी है कि अपनी जिंदगी की हर एक चीज और पहचान इंसान अपने आप ही देता है। तो आइए मैं आज आपके बीच जो मैं आवाज की दुनिया को कुछ आवाज पेश किया, लेकिन मैं आपके बीच, जी हाँ धनबाद बिग बाजार में आपको 6 अक्टूबर टैलेंट वार सीजन 2018 में बिल्कुल मैं आपको आऊंगा आपके बीच में, और अपनी आवाज की जो भी आवाज होगी उस सभी आवाजों से मैं आपको सुरभोर कर दूंगा। ये जिस तरीके से आपने महाभारत सीरियल में जब स्टार्टिंग के पीरियड में जब वो बैक एंकरिंग होता है तो वो किस तरीके से होता है, मैं उनकी आवाज मैं आपके सामने सुनाना चाहूंगा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन ये विधि का विधान और संसार का नियम है, जो जैसा कर्म करता है तत्पश्चात उसे फल वैसा ही प्राप्त होता है। न्यूज के माध्यम से और मैं अपने कैमरा प्रभारी कमलेश जी और रस्तम जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
कि वो हम जैसे कलाकारों को आपके बीच तक पहुंचाने का संकल्प लिए हैं, तो मैं इसी बात को धन्यवाद करता हूं। के न्यूज़ खबरों की नई पहचान।